दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और गाइड सुनील उपाध्याय। आज मैं आपको एक ऐसा ध्यान बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ सफलता का ध्यान, यानी कि सक्सेस मेडिटेशन। आपके लिए मैं ये मेडिटेशन यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसे एयरफोन लगा के रात को सोते टाइम पे करते हुए सो जाइए, या तो सुबह उठने के बाद आप इसे एयरफोन लगा के कर सकते हैं, या जब भी आपको करने की इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। मगर इसे करने का सबसे बेस्ट जो समय है वो है रात को सोने से पहले, क्योंकि रात को सोते टाइम हमारा जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है वो 7 to 14 होती है। 7 to 14 ब्रेन फ्रीक्वेंसी में हमारा जो माइंड होता है वो अल्फ़ा लेवल ऑफ माइंड होता है, जिसमें आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव होता है। आप उसके अंदर जो भी पिक्चर डालते हैं, जो भी पिक्चर डालेंगे वो उसके अंदर प्रोग्राम हो जाएगी और वही आपकी रियल लाइफ में होगा। तो आप अब तैयार हो जाइए, एक जगह पर बैठ जाइए, आराम से कुर्सी में बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये प्रैक्टिकल अभी सफलता का ध्यान यानी कि सक्सेस मेडिटेशन कराने जा रहा हूँ। आप लेट जाइए या कुर्सी में सीधे रीढ़ की हड्डी करके बैठ जाइए। आप अब एक लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपनी आँखों को बंद करें। अब आप कुछ देर तक सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे, मेरी आवाज़ के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ आपके लिए मायने नहीं रखेगी। वापस एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर की तरफ लें और सांस के जरिए महसूस करें आपके भीतर एक दिव्य शक्ति, दिव्य चेतना जा रही है, और सांस छोड़ते हुए आपके भीतर की जितनी भी नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक चित्र हैं, वो सांस के जरिए बाहर निकल रहे हैं और ब्रह्मांड में विलीन होते जा रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा शरीर हल्का हल्का और हल्का होता चला जा रहा है। आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। वापस एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर की तरफ ले रहे हैं, सांस के जरिए आपके भीतर एक दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा जा रही है, दिव्य ऊर्जा जा रही है। सांस छोड़ते हुए आपके पूरे भीतर से नकारात्मकता बाहर निकल रही है, काले धुएं के रूप में सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है, और आपका पूरा का पूरा शरीर हल्का हल्का और रिलैक्स होता चला जा रहा है, हल्का और रिलैक्स होता चला जा रहा है। आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। वापस एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर की तरफ ले रहे हैं, सांस के जरिए आपके भीतर एक दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति जा रही है। आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हैं और आपके भीतर से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है, और आपका पूरा का पूरा शरीर रिलैक्स और शिथिल हो चुका है, रिलैक्स और शिथिल हो चुका है। आपका पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक रिलैक्स और शिथिल हो चुका है। रिलैक्सेशन की वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, और आप अपने पूरे शरीर में हल्कापन अनुभव कर रहे हैं। जैसे एक गुब्बारा होता है गैस से भरा हुआ, वैसे ही आपका पूरा शरीर हल्का और रिलैक्स हो चुका है। अब आपका हल्का और रिलैक्स शरीर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ रहा है। आप कल्पना करें आपका पूरा शरीर ऊपर की तरफ उड़ रहा है, हल्का शरीर गुब्बारे भांति, जैसे कि किसी ने रस्सी पकड़ी है और आपका शरीर को वो रस्सी को छोड़ रहा है, और आपका शरीर ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर काफ़ी ऊपर आसमान में जा चुका है। आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है, हल्का हो चुका है, आसमान में 100 फुट ऊपर जा चुका है, और आपका शरीर पूरा हल्का हो चुका है। आपको वहाँ पर एक लिफ्ट दिखाई दे रही है, लिफ्ट का 10th फ्लोर। लिफ्ट सिलेंडर के आकार की और कांच की, आप लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, और लिफ्ट से जब आप नीचे देखते हैं तो आपको बड़े बड़े पहाड़, बहती हुई नदियाँ और छोटे छोटे मकान और हरी घास दिख रही है। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी, 10th से 9th फ्लोर की तरफ आएगी, आप मन की गहरी और गहरी और गहरी अवस्था में चले जाओगे। जब मैं गहरी और डीप शब्द का उपयोग करूंगा, आप मन की और गहरी और गहरी और गहरी गहरी और डीप अवस्था में चले जाओगे। आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुनते रहोगे, मेरी आवाज़ के जरिए कुछ ही देर के बाद आप मन की गहरी अवस्था में चले जाओगे। 10, 9 मन की और गहरी और डीप, 8 मन की और गहरी और डीप अवस्था में जा रहे हो, पहले से 100 गुना गहरी और डीप अवस्था में जा चुके हो। 7 मन की और गहरी और डीप, 6 मन की गहरी और डीप, 5, 4, 3, 2 मन की 1000 गुना गहरी और डीप अवस्था में आ चुके हो। 1 आप मन की एकदम गहरी अवस्था में आ चुके हो, मन की एकदम गहरी अवस्था में आ चुके हो। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल रहा है, आपके सामने हरा मैदान है, उस मैदान में आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और सूर्य की किरणें आपके शरीर में आई हैं, और आपका शरीर 100 साल के लिए हेल्दी हो चुका है।
आप काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहे हो, चिड़िया की आवाज़, कोयल की आवाज़ आपके कानों में जा रही है, आपका शरीर पहले ही हल्का हो चुका है, आपका मन भी शांत और रिलैक्स हो चुका है। आप वो सारे मैदान में चलते जाते हो, आपके दोनों तरफ आपको गुलाब के फूल दिख रहे हैं। आप एक गुलाब के फूल के पास जाते हो और उसकी खुशबू को सूंघते हो, ये खुशबू आपके अंदर प्रोग्राम हो रही है और आपको काफ़ी फ्रेशनेस महसूस हो रही है। अब आपके सामने एक बड़ा सा सोने का दरवाज़ा आ चुका है, बड़ा सा सोने का दरवाज़ा। एक आदमी वो दरवाजे को आपके लिए खोलता है और आप उस दरवाजे से जैसे ही अंदर जाते हैं, आपको एक बड़ा सा थिएटर दिख रहा है, पिक्चर हॉल। वहाँ पर सिर्फ एक सोफ़ा लगा है, उस सोफे में आप लेट जाते हो और आपके सामने एक स्क्रीन है, यानी कि पर्दा है जैसे थिएटर में होता है। उस पर्दे में आप मन की आँखों से देख रहे हो, आपकी जो भी इच्छा है आप उसे देख रहे हो कि वो इच्छा को आपने प्राप्त कर लिया है। आप उसे देख रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी ऑडियो है वो सुन रहे हो, फीलिंग को महसूस कर रहे हो, आपको आपका जो वो टारगेट है, आपका जो गोल है, वो आपका गोल वो पूरा हो चुका है। आपको कैसा लग रहा है महसूस करो, ये जो पिक्चर है, ये जो ऑडियो है, ये जो फीलिंग है आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो गई है और आपकी इच्छा वो पूरी हो चुकी है, कैसा लग रहा है महसूस करो। उसके बाद पर्दा वापस खाली हो जाता है, आप अपनी दूसरी इच्छा, दूसरा जो सपना या दूसरा गोल है उसे आप पर्दे पे देख रहे हो कि इस वक्त वो भी इच्छा आपकी पूरी हो रही है। उसका पूरा का पूरा चित्र आपको दिख रहा है, उसकी रिलेटेड जो भी पिक्चर है साफ देख पा रहे हो आपकी, और वो पिक्चर है वो क्या है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और काफ़ी बिगर है, बड़ी होती जा रही है, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। उससे रिलेटेड ऑडियो सुन रहे हो, आपको फीलिंग उससे रिलेटेड फीलिंग भी आ रही है, आपने वो सेकेंड जो टारगेट है वो भी अचीव कर लिया है। उसके बाद तीसरा आपका जो टारगेट है, तीसरा गोल, उसे आप देख रहे हो पर्दे पर, वो गोल को आप अचीव कर रहे हो, आपसे जुड़े हुए लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आपने अपना गोल पूरा कर लिया है, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, उन्हें आप गिफ्ट दे रहे हो और रिटर्न में भी आपको गिफ्ट मिल रहा है और सफल, और वो आपको क्या बोल रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो चाहने वाले हैं, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ दोस्त आपको गले मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है अनुभव करो, महसूस करो। अब आप आंखें बंद करके वहाँ पर ही थिएटर में लेटे हुए हो, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपका जो भी टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया है। इसी टेक्निक के जरिए आपके जब ये तीनों अचीव हो जाएं गोल, तो उसके बाद उसको रिप्लेस करके चौथा गोल आप रख के उसे मेंटली सबकॉन्शियस लेवल पर प्रोग्राम करके उसे अचीव कर सकते हैं। अब आप थिएटर से बाहर आ रहे हैं, दरवाज़ा खुल गया है, आप उस हरे मैदान पे आ चुके हैं, चलते जाते हैं, आप वही लिफ्ट आ चुकी है जिस लिफ्ट के जरिए आप मन की गहराई में गए थे। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और आप लिफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 1, 2, 3, मन की गहराई से बाहर निकल रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ द डीप हिप्नोटिक स्लीप एंड फीलिंग बेटर देन बिफोर। 4, 5, 6, मन की गहराई से बाहर आ रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 7, 8, 9, 10, मन की गहराई से पूरी तरह बाहर आ चुके हो, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग बेटर देन बिफोर। अब आप जब मैं 1, 2, 3 की गिनती करूँगा, आप धीरे धीरे आँखें खोलोगे और पहले से ज़्यादा फ्रेश और अच्छा महसूस करोगे। 1, आंखें खोल रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2, आंखें खोल रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 3, पूरी तरह आंखें खोल रहे हो, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब आप चेतन अवस्था में आ चुके हो। आप इस मेडिटेशन को कान में एयरफोन लगा के रात को सोते वक्त रोज़ करिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें डिसाइड कर लीजिए, पेपर में लिख लीजिए रात को सोने से पहले, फिर उसके बाद ये माइंड में प्रोग्राम करके, ये सफलता के मेडिटेशन से प्रोग्राम करके सो जाइए, रोज़ करते रहिए। हकीकत में वो जो प्रोग्राम आपने किया रियल में आपकी लाइफ में होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार ज़्यादा सुखी, ज़्यादा स्वस्थ और सफल हो। प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपको यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9979546434। आपका दोस्त सुनील उपाध्याय। थैंक यू।